महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कवि सम्मेलन में, जो कि हम ये महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद। तो इस 75 वर्षों में क्या कुछ हमने पाया, क्या कुछ हासिल किया, इसकी थोड़ी सी लेखी जोखी हम लोग आज करेंगे इस कवि सम्मेलन के द्वारा। तो आज के इस कवि सम्मेलन की विशेषता ये है कि आज हम हिंदी में ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे अगले कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि हम दूसरी भाषाओं में तेलुगु, उर्दू और हिंदी में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज ये कवि सम्मेलन है और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में। आज बात होगी रसों की, आज बात होगी नए एहसासों की, आज बात होगी हमारे सपनों की, आज बात होगी हमारे नए उड़ान की, नए पंखों की और अग्नि की उड़ान की भी हम यहाँ बात करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी उस रक्त की जो हमारी शिराओं में बहता है और जो लहू बनकर हमारी शिराओं में दौड़ता है और अपने भारत पर, अपने देश पर मर मिटने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बहुत सारे बातें करने वाले हैं और बहुत सारे रसों का आनंद लेने वाले हैं इस कवि सम्मेलन के माध्यम से। आज हमारे साथ कई सारे विशिष्ट कविजन, महारथी जो कवि हमारे शहर के हैं, वो हमारे साथ इस कवि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और आप सभी ने अपना अपना समय, बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आए, मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। जब बात होती है कविता की, जब बात होती है मन की, तो कुछ ऐसा जो अगर हम लिखते हैं जो हमारे दिल से निकल कर आता हो, भले ही हम काम कुछ और करते हैं लेकिन लिखते अपने हृदय की बात हैं और वो बात हमारे देश के लिए होती है। तो इस जज्बे को हम यहाँ कायम करते हुए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और इसी क्रम में मैं आज के सबसे हमारे जो शुरुआती कवि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। वीर लिखते हैं, गंभीर लिखते हैं, श्रद्धा शक्ति शमशीर लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, प्रीत लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, प्रीत लिखते हैं, हार लिखते हैं, जीत लिखते हैं। पर जब लेखनी से बात हो देश की, तो एक साथ पूरा अभिजीत लिखते हैं। तो अभिजीत जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी कविताओं को हम आगाज करते हैं और हम सुनना चाहेंगे कि आपके हृदय में भारत के 75 वर्षों के जो ये आज़ादी का जो दौर रहा है, इसमें आपका हृदय क्या कहता है? सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, इस मंच पर उपस्थित सारे विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ, दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत माता के प्रति कुछ भावों के साथ मुझे प्रस्तुत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अतीत के गौरव और भविष्य की संभावनाओं के उत्सव मनाने का एक महोत्सव है। मैंने भी एक प्रयास किया है, आशा है आप सबको स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। 57 से शुरू हुई जो 47 तक आई थी, 57 से शुरू हुई जो 47 तक आई थी, मुक्त राष्ट्र को करने की लंबी बहुत लड़ाई थी, मुक्त राष्ट्र को करने की लंबी बहुत लड़ाई थी, हिंद देश के कई वीरों ने अपनी आहुति चढ़ाई थी, हिंद देश के कई वीरों ने अपनी आहुति चढ़ाई थी, आजादी के हवन कुंड में अगणित अस्थियां समाई थी, आजादी के हवन कुंड में अगणित अस्थियां समाई थी। आज उसी अमृत प्राप्ति के जश्न में राष्ट्र को खोने दो, आज उसी अमृत प्राप्ति के जश्न में राष्ट्र को खोने दो, सपनों की राह पर बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, सपनों की राह पे बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो।
इस अमृत को पाने को मंथन समुद्र पुरजोर हुआ, इस अमृत को पाने को मंथन समुद्र पुरजोर हुआ, बस काल गवाही दे सकता है रन इतना घनघोर हुआ, बस समय गवाही दे सकता है रन इतना घनघोर हुआ, रक्त अस्थिया जली यहाँ, रक्त अस्थिया जली यहाँ, तब छठा अंधेरा भोर हुआ, शंख बजे थे घर घर में जब आजादी का शोर हुआ, शंख बजे थे घर घर में जब आजादी का शोर हुआ, गौरव अतीत में हो शामिल मुझे आज खुशी से रोने दो, गौरव अतीत में हो शामिल मुझे आज खुशी से रोने दो, इस वर्तमान के भारत में वैभव भविष्य का बोने दो, इस वर्तमान के भारत में वैभव भविष्य का बोने दो, आजाद देश की गरिमा में, आजाद देश की गरिमा में शक्ति का कलरव होने दो, सपनों की राह पे चले हिंद में आज महोत्सव होने दो, सपनों की राह पे बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, सोच में राष्ट्र की भक्ति और नए भारत का निर्माण है, यह जो यात्रा निकल पड़ी है, यह जो यात्रा निकल पड़ी है वही विजय अभियान है, सोच में राष्ट्र की भक्ति और नए भारत का निर्माण है, यह जो यात्रा निकल पड़ी है यही विजय अभियान है, था अतीत पुष्पक विमान, था अतीत पुष्पक विमान भविष्य भी मंगलयान है, था अतीत पुष्पक विमान भविष्य भी मंगलयान है, हम पोरस का पौरुष हैं अभिनंदन सीनातान है, हम पोरस का पौरुष हैं अभिनंदन सीनातान है, न डरते हैं न डराते हैं संस्कृति सभ्यता महान है, न डरते हैं न डराते हैं संस्कृति सभ्यता महान है, प्रेम से प्रेम की भाषा बोले, प्रेम से प्रेम की भाषा बोले, दुश्मन पर गहरा चोट है, प्रेम से प्रेम की भाषा बोले, दुश्मन पर गहरा चोट है, पुलवामा के दुस्साहस पर करते बालाकोट है, पुलवामा के दुस्साहस पर करते बालाकोट है, इसी तेज से बने राष्ट्र में, इसी तेज से बने राष्ट्र में शौर्य ध्वजा अब ढोने दो, सपनों की राह पर बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, सपनों की राह पे बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, वसुधा ही है कुटुंब हमारा, हम दया धर्म प्रवीण है, वसुधा ही है कुटुंब हमारा, हम दया धर्म प्रवीण है, मानव सेवा है लक्ष्य हमारा, बांट रहे वैक्सीन है, मानव सेवा है लक्ष्य हमारा, बांट रहे वैक्सीन है, योग वेद के जनक हमी, योग वेद के जनक हमी, यहाँ तिथि देव समान है, हम प्रकृति के सदा उपासक सहचर्य का असली ज्ञान है, हम प्रकृति के सदा उपासक सहचर्य का असली ज्ञान है, जल थल नभ में पाई प्रतिष्ठा गढ़ते नए विज्ञान है, जल थल नभ में पाई प्रतिष्ठा गढ़ते नए विज्ञान है, हम समाज की समरसता, हम तुलसी हैं रसखान है, हम समाज की समरसता, हम तुलसी हैं रसखान है, लोकतंत्र के हमी पुरोधा, लोकतंत्र के हमी पुरोधा, अपना नेक विधान है, होली ईद वैसाखी क्रिसमस सभी एक समान है, होली ईद वैसाखी क्रिसमस सभी एक समान, बहुत बढ़िया, समरसता के इसी सागर में, समरसता के इसी सागर में सबको आज डुबोने दो, सपनों की राह पर बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, सपनों की राह पे बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, बहुत सुंदर भाव। अंत में इसकी भारत की विविधा पर कुछ चार पंक्तियां हैं जी। काम रूप से कच्छ तलक और केरल से कश्मीर तक, क्या काम क्या? रूप से कच्छ तलक और केरल से कश्मीर तक, सिंधु गंगा में सने हुए हम गोदावरी के तीर तक, सिंधु गंगा में सने हुए हम गोदावरी के तीर तक, अलग अलग है बोली भाषा, अलग अलग है ढंग, भूमंडल में नहीं कहीं पे मौसम के इतने रंग, भूमंडल में नहीं कहीं मौसम के इतने रंग, राष्ट्र ध्वजा संग राष्ट्र गान का सुंदर राग पिरोने दो, राष्ट्र ध्वजा संग राष्ट्र गान का सुंदर राग पिरोने दो, विविधा से भरी इस मातृभूमि में गाने एक सा होने दो, अटल हिमालय से सागर तक स्वर्णिम भारत बोने दो, अटल हिमालय से
से सागर तक स्वर्णिम भारत बोने दो, सपनों की राह पर चढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो, सपनों की राह पर बढ़े हिंद में आज महोत्सव होने दो। बिल्कुल आपने समा बांध दिया हमारे इस कवि सम्मेलन का, और जिस तरह से आपने महोत्सव का आगाज किया है, उसको पुकारा है, बिल्कुल जो आज हमारा राष्ट्र है वो उसी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और वैसे तो आप पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन हृदय में इतने भाव रखते हैं, और भले ही हम काम कुछ और करें लेकिन जो दिल है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, ये आपकी कविता ने हमें बताया। और पूरा एक इतिहास आपने हमारे सामने रख दिया, इतिहास से लेकर अभी तक कि हमने इन 75 वर्षों में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, और उससे पहले भी हमारा अतीत जो रहा है उसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया अभिजीत पाठक जी, आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे राष्ट्र में इतने सारे भाव होते हैं, अलग अलग जगह से जब लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति की बात होती है, और यही हमारा सबसे अनोखा और अलग पहचान है कि हम भले ही अलग अलग रंग हों लेकिन माला में जब हम आते हैं तो वो माला एक होती है और वो बेहद खूबसूरत होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब रुक करती हूँ आज की हमारी अगली कवयित्री की तरफ। और हालांकि ये बहुत कुछ करती हैं, अपना व्यवसाय ये खुद चलाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपने हिसाब से जीवन को जीती हैं, साथ ही साथ ये कविता करती हैं, और कविता में देशभक्ति रस इनका सदैव हमेशा सर्वोपरि रहा है। तो मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी, मोहिनी जी का स्वागत करते हैं हम सब। आज सुनाओ राग रागिनी, आज सुनाओ राग रागिनी, देशभक्ति का अलख जगाओ, देशभक्ति का अलख जगाओ, हमारी प्यारी कवयित्री मोहिनी। तो मोहिनी जी आपका स्वागत है, अपनी कविता हम सबके सम्मुख का प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। आज़ादी के इस पावन महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं नमस्कार करती हूँ और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक मुक्तक के साथ मैं अपनी कविता पढ़ूंगी, और मुक्तक में और कविता में मेरे भाव यही हैं कि हमारे और हमारी नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है इन दोनों रचनाओं में। स्वागत है जी, धन्यवाद। सजाए भाव सब मन के सुसज्जित छंद बनता है, बहुत अच्छे। दुलारे क्यारियां कोमल सुरभित मकरंद बनता है, बनाए साहसी शिक्षित सवारे संस्कारों से, नई पीढ़ी में तब कोई विवेकानंद। बनता है। और मेरी रचना में भी यही भाव है कि आज का युवा कैसा हो और हमारे क्या कर्तव्य हैं। तेजस्वी सूरज जैसा हो और चंद्र के जैसी शीतलता, तेजस्वी सूरज जैसा हो और चंद्र के जैसी शीतलता, भारत का बच्चा बच्चा पढ़े अब रामायण और गीता। सुंदर सुंदर सुंदर। तरुणी में हो लक्ष्मी बाई, हर बालक में हो भगत सिंह, तरुणी में हो लक्ष्मी बाई, हर बालक में हो भगत सिंह, कल्याण देश का सर्वोपरि मन में रखे ऐसा जज्बा, कल्याण देश का सर्वोपरि मन में रखे ऐसा जज्बा, जीवन की कीमत कम तो नहीं, जीवन की कीमत कम तो नहीं, पर स्वयं सबल बनना होगा। बहुत अच्छे। बहुत कर लिया शांति पाठ अब यज्ञ कुंड बनना, बहुत कर लिया शांति पाठ अब यज्ञ कुंड बनना होगा,
है और युवा शक्ति ही चाहे देश कितना भी संपन्न हो साधन संसाधनों से, अगर वहाँ पर उसकी युवा पीढ़ी संपन्न है, शिक्षित है और कर्मठ है, तो वो देश को तरक्की की राह पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो अगली पंक्ति में मैंने वही कहा बिल्कुल है युवा शक्ति ही पूंजी अब कल के उज्जवल भारत की, है युवा शक्ति ही पूंजी अब कल के उज्जवल भारत की, रखे बुनियाद अडिग अटल, संकल्प हमें करना होगा, संकल्प हमें करना बिल्कुल होगा। अब विश्व गुरु बनकर उभरे, अब विश्व बिल्कुल गुरु बनकर उभरे, जगती आँखों का स्वप्न यही, बहुत सुंदर सभ्यता संस्कृति का परिचायक, नभ को छूता जाए झंडा, सभ्यता संस्कृति का परिचायक, नभ को छूता जाए झंडा, तेजस्वी सूरज जैसा हो और चंद्र के जैसी शीतलता, भारत का बच्चा बच्चा पढ़े अब रामायण और गीता। धन्यवाद। मोहिनी जी, आपने इतने जोश भरी कविता के बाद अपनी सुरीली आवाज से इस कार्यक्रम में बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं और बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति की और आपकी आवाज भी उतनी ही मधुर है। साथ ही साथ जो आपके भाव थे वो बिल्कुल बिल्कुल आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाले थे। तो आपने एक सुंदर रचना पढ़ी हमारे समक्ष, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, करती धन्यवाद। हूँ। और जो हमारे अगले कविगण हैं कई अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, जैसे कि वो गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं और बहुत ही सुरीली आवाज़ से वो गाते भी हैं। तो आइए मैं उनका स्वागत इन पंक्तियों के साथ करती हूँ। गीतों में भरते ये जोश, गीतों में भरते ये जोश, और मन से पूरे हैं परितोष, और मन से पूरे हैं परितोष, लेखक कवि और गीतकार, लेखक कवि और गीतकार, प्रियवर कवि है ये संतोष। तो संतोष रजा जी, संतोष रजा जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ, रचना की प्रस्तुति हमारे समक्ष रखिए। सभी को प्रणाम, मंच पर आसीन सभी बुद्धिजनों को, और अमृत महोत्सव जो आज हम क्या इस साल हम मना रहे हैं, अभी तक हमारे भाई ने बहुत ही बढ़िया पूरे देश का खाका खींच दिया। मोहिनी जी ने बहुत ही सुंदर आवाज में जो सुनाया, मैं उसके आगे और पीछे दोनों सुनाने की कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा। ये हम साए हमारे देश में क्यों छुप के आते हैं, क्या बात, ओहो, ये हम साए हमारे देश में क्यों छुप के आते हैं, हमें ये क्यों नहीं मैदान में आके आजमाते हैं। वाह वाह वाह, बेहतरीन, बिल्कुल, हमें ये क्यों नहीं मैदान में आके आजमाते हैं। और हमारे लेखकों के लिए एक लाइन है कि उठाते हैं कलम जो प्यार का संदेश देने को, उठाते हैं कलम जो प्यार का संदेश देने को, कहर ढाते हैं जब वो हाथ बंदूकें उठाते हैं। क्या वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमें चोरों से चोरों की तरह लड़ना नहीं आता, वतन के वास्ते हम गोलियां सीने में खाते हैं, और दिखाया पीठ जिसने और गोली पीठ में खाई, हम ऐसे देशभक्तों की नहीं लाशें उठाते हैं। क्या बात, क्या बात, हम ऐसे देशभक्तों की नहीं लाशें उठाते हैं। और उसी तरह से जैसे शादियों में बन के दूल्हा, सुनीता माँ, मोहिनी जी और पांडे जी, कि उसी तरह से जैसे शादियों में बन के दूल्हा हम ललाटों पर तिलक मासे लगा के रण में जाते हैं, और दुल्हन की सेज सुनी छोड़कर पहली ही रातों में रजा बहनों से राखी भी बंधा के लड़ने जाते। एक मुक्तक, उसके बाद एक गीत है देशभक्ति पर। स्वागत स्वागत। ये जज्बा लेकर जब एक हिंद का बच्चा चलता है तो माँ दूध का कर्ज चुकाने की बात करती है। दूध का कर्ज चुकाने का वचन मांग लिया, दूध का कर्ज चुकाने का वचन मांग लिया, माँ ने माँ भारती का चैन और अमन मांग लिया।
क्या बात है। माँ ने माँ भारती का चैन व अमन मांग लिया, करके मिन्नत ये शहादत की राह में रब से, ऐ रजा हमने तिरंगे का कफन मांग लिया। खूबसूरत। ऐ रजा हमने तिरंगे का कफन मांग लिया। माँ भारती के लिए जो दिल में आया कोशिश की है हमने। स्वागत है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। इससे टकरा के कायर कुचल जाएगा। है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। इससे टकरा के कायर कुचल जाएगा। बहुत सुंदर। खा रहे हैं हम अपने लहू की कसम। खा रहे हैं हम अपने लहू की कसम। तेरे जलवों से दुश्मन दहल जाएगा। खा रहे हैं हम अपने लहू की कसम। तेरे जलवों से दुश्मन दहल जाएगा। शेर है कि जिसकी मिट्टी में अब्दुल भगत सिंह बने, जिसके आंचल में आजाद बिस्मिल बने। इससे पहले कि हम मौत से जा मिले। इससे पहले कि हम मौत से जा मिले। शत्रुओं का जनाजा निकल जाएगा। इससे पहले कि हम मौत से जा मिले। शत्रुओं का जनाजा निकल जाएगा। अगला बंद है कि कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम, यहाँ सबका तवज्जो चाहूंगा। कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम, यहाँ सिख हो या ईसाई, ये सबका जहां। क्या वाह वाह, सबका जहां, बिल्कुल सही, सबका जहां, बिल्कुल सही। कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम, यहाँ सिख या हो ईसाई, ये सबका जहां। कर दे हमको अलग ऐसा मजहब नहीं। कर दे हमको अलग ऐसा मजहब नहीं। अरे ऐसे मजहब का मकसद बदल जाएगा। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। अलग ऐसा मजहब नहीं। ऐसे मजहब का मकसद बदल जाएगा। है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। इससे टकरा के कायर कुचल जाएगा। सुंदर। कि चोरों की तरह क्यों वार करते हो तुम। चोरों की तरह क्यों वार करते हो तुम। आमने सामने क्यों न लड़ते हो तुम। क्या बात, आमने सामने क्यों न लड़ते हो तुम। तो चोरों की तरह क्यों वार करते हो तुम। आमने सामने क्यों न लड़ते हो तुम। अरे सामना जो हुआ तो खुदा की कसम। सामना जो हुआ तो वतन की कसम। देश का तेरे नक्शा बदल जाएगा। सामना जो हुआ तो वतन की कसम। देश का तेरे नक्शा बदल जाएगा। है ये मेरा वतन, एक अमन का चमन। इससे टकरा के कायर कुचल जाएगा। खा रहे हैं हम अपने लहू की कसम। खा रहे हैं हम अपने लहू की कसम। हमसे टकरा के कायर कुचल
चल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यार है, बहुत अच्छा, बहुत भाव। आपके गीतों में और आपकी जो ये शेर थे वो इतने जोशीले थे कि मुझे लगता है कि हम सभी जो यहाँ बैठे हैं अभी एकदम रण में जाने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि लेखनी करने वाले जब बंदूक उठाते हैं, हाँ क्या बात कही है आपने कि लेखनी करने वाले जब बंदूक उठाते हैं तो अच्छे अच्छे जो हैं वो परास्त हो जाते हैं। सभी का आशीर्वाद, मां भारती की कृपा। जी, तो आपने बहुत सुंदर अपनी रचना रखी हमारे सामने और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने सारे रंगों में अलग अलग रंग निकल कर इस कवि सम्मेलन में हमारे सामने आ रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर समा बंध चुका है और इस समा को और आगे बढ़ाते हैं और मैं रुक कर रही हूँ हमारी अगली कवयित्री की ओर। मैं चाहूँगी कि इनकी जो आवाज़, जो मधुर आवाज़ है वो हम फिर एक बार सुने और मैं वैशाली जी को आमंत्रित करना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ। बहुत अच्छी चित्रकार हैं ये, अपने घर को काफ़ी सजा रखा है इन्होंने अपने बनाए हुए चित्रों के द्वारा। कविता से ये चित्र बनाती, कविता से ये चित्र बनाती, चित्रों में कविता को रमाती। भाषा इनकी वीरों वाली, भाषा इनकी वीरों वाली। स्वागत है आपका प्रिय वैशाली। तो वैशाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी कविताओं का हम आगाज करते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, आप रखिए। मंच पर उपस्थित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर ये जो आयोजन है इसमें जो भी सारे गुड़ीजन को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, दर्शक गणों को मेरा अभिनंदन। तो कैमरे की तरफ देखना। प्रस्तुत है मेरी कविता। हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी भारत की आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हजारों सूर्यों से तेजस्वी भारत की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। होगी तमन्ना कुछ कर पाने की तो ना कर पाने की बेचैनी भी होगी। होगी तमन्ना कुछ कर पाने की तो ना कर पाने की बेचैनी भी होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की विरल उपलब्धि है, जागती आंखों से देखे गए सपनों का एहसास है। नया भारत निर्मित करने की तैयारी है, होने लगा स्वतंत्र चेतना का एहसास है। आकार लेते जिसमें राष्ट्रीय वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत के रास्तों पर अग्रसर हम हो आए हैं। बहुत सुंदर। लिखी जा रही भारत की जमीन पर आजादी की वास्तविक इबारत है, अपनी संस्कृति की नींव पर खड़ी भारत की बुलंद इमारत है। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास का दृश्य है देखा, कैसे कोरोना जैसी महाव्याधि को परास्त कर जनजीवन को सुरक्षित रखा। राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रख पड़ोसी देशों को चेता दिया, चीन की दादागिरी पाकिस्तान की हरकतों का पहली बार है जवाब दिया। निराशाओं के बीच आशाओं के दीप है जलने लगे, नई सभ्यता नई संस्कृति है करवट लेने लगी, मेक इन इंडिया का शंखनाद कर है भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। कुछ नया हमको कर जाना है, इतिहास को अपने दिलों में रख कर भविष्य को बेहतर मनाना है। 75 सालों की उपलब्धियों को दुनिया को बतलाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु, बहुत ही बढ़िया। तो आपने इसमें अपनी कविता में जो हमारा उद्देश्य है इस अमृत महोत्सव को, उसका आपने पूरा आगाज़ कर दिया और किस तरह से हमने अभी अभी जो महामारी फैली थी और उसमें किस तरह से हमने वैक्सीनेशन को घर घर तक पहुंचाया और हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितना अग्रसर हो रहा है, कितना आत्मनिर्भर बन रहा है, उस पर आपने प्रकाश डाला अपनी कविता में। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने अलग अलग नज़रों से हम अपने देश को देखते हैं और क्या कुछ हम देखते हैं, सब अलग अलग चीज़, रंग एक ही होता है लेकिन उसका जो विवरण होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी क्रम में मैं रुख करती हूँ हमारे अगले कवि की ओर,
और हमारे अगले कवि हैं पुरुषोत्तम कड़ेल जी, जो कि बिल्कुल जाने जाते हैं अपनी कविताओं के लिए, और उनमें जो दमखम होता है इनकी कविताओं में उसका सानी कोई और नहीं है। मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ। कविता लिखते ये सर्वोत्तम, कविता लिखते ये सर्वोत्तम, बोली इनकी है रसोत्तम, बोली इनकी है रसोत्तम। वैसे तो कई नाम हैं इनके, वैसे तो कई नाम हैं इनके, लेकिन पहचान है इनकी पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम सोनी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर सभी कवि मित्रगणों विद्वंजनों को मेरा अभिनंदन और श्रोताओं का अभिनंदन। यहाँ कवि और कलम की बात आई है तो चार पंक्तियाँ पहले दे रहा हूँ कि चिंतन का मंथन करने से उभर आती है दृढ़ता, वाणी मधुर मृदुल संग बहती जो सरिता, सौरभ घुला मिला रस रंग कलम पाए जब मसिता, तब कवि कल्पना के पन्नों पर रचती है कविता। तब कवि कल्पना के पन्नों पर रचती है कविता। और इस पावन अवसर पर जहां आज़ादी का हम अमृतसव मना रहे हैं तो उन वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र है और वे अभी भी सीमा में चौकस है। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए चार पंक्तियां पहले मैं दे रहा हूं कि उसके भाव क्या कहते हैं कि गुरुजनों से पाई शिक्षा, परिवार जनों ने दी है दीक्षा, निकल पड़ा हूं रणभूमि में, देनी है मुझको अग्नि परीक्षा। सुंदर है मेरे ही कांधे सरहद सुरक्षा, है निगाहों में हरदम सीमा समीक्षा, बिल्कुल करता रहूंगा इस देश की रक्षा, है मेरी हथेली में भारत का नक्शा, है मेरी हथेली में भारत का नक्शा। और जहां कई रचनाएं कवियों ने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं और भारत विश्व गुरु आज नहीं तो कल और जाना जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि दुश्मन को भी गले लगाने की जो प्रवृत्ति है ये हमारे भारत देश में है, और सौहार्द भक्ति प्रेम का संदेश देने वाला ये भारत देश है, और इसमें एक संदेश मैं इस कविता द्वारा देना चाह रहा हूँ। ऐ मेरे देश में रहने वालों, आओ एक तस्वीर बनाए, भावना के रंग सजाए, आशाओं के दीप जलाए, चढ़ाएं स्नेह पुष्प का हार, चढ़ाएं स्नेह पुष्प का हार, करें हम अपने वतन से प्यार, चढ़ाएं स्नेह पुष्प का हार, करें हम अपने वतन से प्यार, जात पात का भेद भुलाएं, मजहब की तकरार मिटाए, हिल मिल कर त्योहार मनाए, हर बार नया इतिहास रचाए, तोड़ कर नफरत की दीवार, तोड़ कर नफरत की दीवार, करें हम अपने वतन से प्यार, तोड़ कर नफरत की दीवार, करें हम अपने वतन से प्यार, आओ ऐसा स्वर्ग बनाए, अमन चमन चंदन महकाए, भाषा के दो फूल खिलाए, मन वीणा के तार हिलाए, गुंजाए मधुर मधुर झनकार, करें हम अपने वतन से प्यार, गुंजाए मधुर मधुर झनकार, करें हम अपने वतन से प्यार, कागज पर दो शब्द रचाए, देश प्रेम के गीत सुनाए, वीर बने सुदृढ़ कहलाए, राष्ट्र गान में ध्वज पहराए, ऐसी कलम चले हर बार, वो ऐसी
कलम चले हर बार करे हम अपने वतन से प्यार। बस, बस। ऐ मेरे देश में रहने वालों आओ एक तस्वीर बनाए भावना के रंग सजाए आशाओं के दीप जलाए चढ़ाए स्नेह पुष्प का हार करें हम अपने वतन से प्यार चढ़ाए स्नेह पुष्प का हार करें हम अपने वतन से प्यार करें हम अपने वतन से प्यार। जय हिंद जय भारत। बहुत बधाई। पुरुषोत्तम जी, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप उत्तम रचना करते हैं, तो उसको बिल्कुल आपने कायम रखा और ये रचना भी आपकी जो है बहुत सुंदर और जिस मधुर लय में आपने इसका संचार किया है और इसे गाया है वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि जो हमारा ये कवि सम्मेलन है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन भाव सबके एक ही हैं। जी, तो चलिए इस कवि सम्मेलन का अगला रंग हम देखें और मैं रुख करती हूँ हमारी आज की अगली कवयित्री की ओर, जो कि वैसे तो पढ़ना और पढ़ाना इनका पेशा रहा है। 25 वर्ष इन्होंने प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया है और काफ़ी बच्चों का भविष्य इन्होंने संवारा है और हृदय से ये कविता करती हैं, कविता में बेहद रुचि रखती हैं। तो इनका स्वागत मैं इन पंक्तियों के साथ करती हूँ। साहित्य इनकी निर्मल काया, साहित्य इनकी निर्मल काया, मन को केवल कविता भाया। पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, सुनीता जी को बस यही आया। तो मैं स्वागत करती हूँ सुनीता लूला जी का। हम इनसे सीख भी रहे हैं। जी जी जी, हार्दिक आभार अनुराधा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी बदौलत और दूरदर्शन केंद्र की बदौलत मुझे एक गौरवशाली कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत जी। है, क्योंकि हम किसी भी भाव की लिखें कविता, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी हृदय की वीणा झंकृत होती है जब हम देशभक्ति की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। और हम आज़ादी के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन क्या बस हो गया? नहीं, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सतत जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। तो मेरा ये गीत जो है वो जागरण गीत है। स्वागत स्वागत है। जागरण बस वो नहीं जो आँख का हो, जागरण बस वो नहीं जो प्राण का हो, जागरण अंतर हृदय का चाहिए। क्या बात, क्या बात। जागरण अंतर हृदय का चाहिए और इससे कम नहीं कुछ चाहिए, और इससे कम नहीं कुछ चाहिए। जागरण हर प्राण चेतन में रहे, व्रण से बढ़ते जगत वेदन में रहे, जो समय के हो विधाता जान ले, जो समय के हो विधाता जान ले, जागरण उनके नयन में भी रहे, अर्थ तब ही जागरण का है खरा, आज इससे कम नहीं कुछ चाहिए, आज इससे कम नहीं कुछ चाहिए। जागरण सम्मान हर जन का करें, जागरण सम्मान हर जन का करें, जागरण ना भेद इक तन का करें, और तत्पर हो सदा रक्षार्थ वो, और तत्पर हो सदा रक्षार्थ वो,
जागरण सहयोग जीवन का करे, जागरण सहयोग जीवन का करे, राष्ट्र ही सर्वोपरि अब चाहिए, राष्ट्र ही सर्वोपरि अब चाहिए, और इससे कम नहीं कुछ चाहिए, और इससे कम नहीं कुछ चाहिए। अगली पंक्तियां देखिए, जागरण इतिहास का अपना रहे, जागरण इतिहास का अपना रहे, मंत्र वेदों का सदा जपना रहे, मंत्र वेदों का सदा जपना रहे, राष्ट्र की भाषा हमारी एक हो, राष्ट्र की भाषा हमारी एक हो। मेरा अभिप्राय हिंदी से है, यूं तो अनेकों भाषाएं हैं, राष्ट्र की भाषा हमारी एक हो, कर्म में जीता यही सपना रहे, कर्म में जीता यही सपना रहे, ध्वज तिरंगा ही सदा उत्तुंग हो, ध्वज तिरंगा ही सदा उत्तुंग हो, और इससे कम नहीं कुछ चाहिए, और इससे कम नहीं कुछ चाहिए। अंतिम बंद पर आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। जागरण हो खुद को पहचाने सदा, जागरण हो खुद को पहचाने सदा, सत्य जीवन मूल्य का जाने सदा, सत्य जीवन मूल्य का जाने सदा, आंधियां पश्चिम की वापस मोड़ दें, आंधियां पश्चिम की वापस मोड़ दें, जो ऋचाओं ने कहा माने सदा, जो ऋचाओं ने कहा माने सदा, फिर वही हिंदू कुशा बन जाए हम, अखंड भारत, फिर वही हिंदू कुशा बन जाए हम, आज इससे कम नहीं कुछ चाहिए, आज इससे कम नहीं कुछ चाहिए, आज इससे कम नहीं कुछ चाहिए। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई हमें, और बिल्कुल जोश भर दिया है हमें। अपने अगले कवि की ओर बढ़ते हैं, और अगले जो हमारे कवि हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, निर्भीक वाणी से अपनी मन को लूट ले जाते हैं, निर्भीक वाणी से अपनी मन को लूट ले जाते हैं, मृदु भावों की कविताओं से सजीव चित्र बनाते हैं, इस सोहबत को कौन न तरसे, इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं, जब जब हमने किया निवेदन राजीव जी सहज ही आ जाते हैं। तो मैं अपने अगले कवि राजीव सिंह जी का स्वागत करती हूँ कि वे हम सबके समक्ष अपनी कविता अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत, बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, मंच को प्रणाम करते हुए और समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई देते हुए मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत। देश आगे बढ़ रहा है, कामयाबी गढ़ रहा है, हो रहा सक्षम स्वयं मजबूत सबको कर रहा है। सुंदर। देश आगे बढ़ रहा है, कामयाबी गढ़ रहा है, हो रहा सक्षम स्वयं मजबूत सबको कर रहा है। बहुत अच्छे। देश हित देखे गए जो स्वप्न थे कुछ हैं अधूरे। बहुत अच्छे। सत्य है जो उसे स्वीकार करते हुए कि अभी बहुत सारे संकल्प हैं हमारे पास जिन्हें हमें पूर्ण करने हैं। देश हित देखे गए जो स्वप्न थे कुछ हैं अधूरे, रुक नहीं सकते हैं हम जब तक नहीं होते वे पूरे, कुछ नए संकल्प इनके संग हमको जोड़ने हैं, कुछ नए संकल्प इनके संग हमको जोड़ने हैं।
और अपनी गलतियों के रूढ़ बंधन तोड़ वाह 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 और अपनी गलतियों के रूढ़ बंधन तोड़ने हैं। देश में अमृत महोत्सव, देश में अमृत महोत्सव ऊर्जा फिर भर रहा है। देश में अमृत महोत्सव ऊर्जा फिर भर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, कामयाबी गढ़ रहा है। बहुत अच्छे हो सुरक्षा या की शिक्षा, खेल हो या हो चिकित्सा। बहुत अच्छे हो सुरक्षा या की शिक्षा, खेल हो या हो चिकित्सा। बढ़ रहे हैं हर दिशा में, पार कर हम हर परीक्षा। बढ़ रहे हैं हर दिशा में, पार कर हम हर परीक्षा। देश की उपलब्धियों की अनगिनत स्वर्णिम कथाएं, देश की उपलब्धियों की अनगिनत स्वर्णिम कथाएं। है नहीं संभव हमारी लेखनी में ये समाए, है नहीं संभव हमारी लेखनी में ये समाए। है नमन उन कोशिशों को, है नमन उन कोशिशों को, देश जिनसे सध रहा है। नमन उन कोशिशों को, देश जिनसे सध रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, कामयाबी गढ़ रहा है। और अंतिम बंद है, देश अपने शीश सबकी बंधुता को धारता है। देश अपने शीश सबकी बंधुता को धारता है। किंतु यह भी है सुनिश्चित, शत्रु हमसे हारता है। किंतु यह भी है सुनिश्चित, शत्रु हमसे हारता है। शांति समता सर्वहित प्रेरित हमारी साधना है। शांति समता सर्वहित प्रेरित हमारी साधना है। हो जगत कल्याण ऐसी सोच भारत भावना है। हो जगत कल्याण ऐसी सोच भारत भावना है। विश्व गुरु ले विश्व का हित, विश्व गुरु ले विश्व का हित, प्रगति अर्जित कर रहा है। विश्व गुरु ले विश्व का हित, प्रगति अर्जित कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, कामयाबी गढ़ रहा है। हो रहा सक्षम स्वयं मजबूत सबको कर रहा है। और एक बहुत सुंदर रचना पढ़ी और बिल्कुल इसको सुनकर हम अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि देश बिल्कुल उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी अगली कवयित्री का रुख करती हूँ, जो कि मेरी टीचर भी रही हैं। हमें इन्होंने पढ़ाया है, हमने बहुत कुछ सीखा है अध्यापिका के तौर पर। और मैं आज भी इन्हें देखती हूँ तो बिल्कुल वैसी ही इन्हें पाती हूँ जैसे हमने बचपन में इन्हें देखा था। और बहुत कुछ सीखा है मैम से। इनका मैं आगाज़ करना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ। चेहरे पर इनके सदा मुस्कान सुरभित कर दें सकल जहान। सुंदर छवि और ज्ञान का सागर, सुंदर छवि और ज्ञान का सागर, राजनीति और साहित्य का पूरा ज्ञान, ये है हमारी प्यारी सुरभि मैम। तो सुरभि जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपसे जुड़ते हैं और कई सारी चीजें हम लोग सीखे हैं। तो मैं आपकी रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा। अवसर भी दिया है आपने, इतना सुंदर अवसर। ये सौभाग्य होता है कि भारत के इस अमृत महोत्सव में हमारे अपने विचार हमारे प्यारी प्यारे दर्शकों और श्रोताओं तक पहुँचे। और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे प्यारे श्रोताओं का अभिनंदन और वंदन करती हूँ।
हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता के जो अमृत महोत्सव की ओर आ गया है उसके पीछे हमारे वीर शहीदों के योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। तो मैं अपनी रचना रखने से पहले केवल चार पंक्तियों अनुमति चाहूँगी। वीर थे तुम बलिदानी महान, वीर थे तुम बलिदानी महान, चिर स्फूर्ति के प्रतीक परम सामर्थ्यवान, शत शत नमन करता तुम्हें माटी का कण कण पुकार, मेरे देश के वीर प्रहरियों व्यर्थ ना जाएगा तुम्हारा जीवन दान, तुम्हारे को करते हैं हम श्रद्धा प्रणाम। बहुत बहुत। भारत अभ्युदय का तिरंगा थामे सतत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश चिरंजीवी है और चिरंजीवी रहेगा। मातृभूमि के लिए समर्पित मेरी रचना का ध्यान चाहूंगी। प्रस्तुत है। खड़ा हिमालय प्रहरी बनकर बढ़ा रहा आर्यावर्त की शान, खड़ा हिमालय प्रहरी बनकर बढ़ा रहा आर्यावर्त की शान, उमंग की प्रथम किरण से उगा सवेरा नई आशा के साथ, विकास क्रम का आगे बढ़ रहा भारत कह रहा इतिहास, अभ्युदय का थामे तिरंगा आया अमृत त्योहार, अभ्युदय का थामे तिरंगा आया अमृत त्योहार, विकास पथ पर दमक रहा सफलता का प्रकाश, संघर्षों में से तुम निखरे, संघर्षों में से तुम निखरे, स्वर्णिम गाथा कहता इतिहास, अभिनंदन तुम्हारा आरोहित भारत, अभिनंदन तुम्हारा आरोहित भारत, यशोगान करता राष्ट्र मन रख मन विश्वास। इस पर भी हम लोग यही चाहते हैं, हमारी शुभकामना भारत के साथ है कि वो समृद्धि की ओर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अभिलाषा यही हो फलीभूत मनोकामना सभी की, अभिलाषा यही हो फलीभूत मनोकामना सभी की, पथ सुगम हो मिलन हो सुखी। क्या बात क्या बात। अंबर से अवनी तक रहे बहती मनुजता पीयूष रसधार, दिनकर से रहे मिलता जन जन को आरोग्य वरदान, पयोधर छलकाता रहे आयुष आशीर्वाद। क्या पयोधर छलकाता रहे आयुष आशीर्वाद, खेतों में फसल रहे लहराती खुशहाल हो देश का हर किसान। वाह बहुत अच्छा संदेश है। पर्यावरण शुद्ध रहे हो हर प्राणी संतुष्ट, पर्यावरण शुद्ध रहे हो हर प्राणी संतुष्ट, धन धान्य से पूर्ण हो जननी का अक्षय पात्र। बिल्कुल बहुत सुंदर। स्रोतनी मिटाती रहे हर जीव की प्यास, स्रोतनी मिटाती रहे हर जीव की प्यास, घृणा द्वेष का अंत हो मिटे अहंकार भाव, भय अभाव से मुक्त हो बढ़े आत्मविश्वास, सीमा पर असंख्य सैनिक सैनिक कई चिकित्सक, सीमा पर असंख्य सैनिक सैनिक कई चिकित्सक, भव्य भारत के राष्ट्र भक्त रक्षक, विश्व में फहरा रहा वसुधैव कुटुंबकम समृद्धि संस्कृति परचम। वाह बहुत अच्छा। गूंज रहा वेद स्वर ब्रह्मांड, गूंज रहा वेद स्वर ब्रह्मांड, चिरंजीवी हो भारत भू आकाश, चिरंजीवी हो भारत भू आकाश। बहुत सुंदर। आपने रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत की और इसमें आपने हर चीज को समेट लिया है। भारत की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ आपने ये वरदान भी मांग लिया है कि हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें और बिना किसी रुकावट के बिना किसी खेद के ये जीवन जो भारतवासियों का है ये चलता रहे। तो आप सभी ने अपनी अपनी उत्तम रचनाओं की प्रस्तुति की यहाँ पर और आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी लोग आए, आप सभी ने मिलकर इसमें एक जान फूंक दी और राष्ट्र के निर्माण में अपना अपना योगदान हम जैसे दे सकते हैं वैसे दे रहे हैं, आप अपनी लेखनी के द्वारा दे रहे हैं। तो बिल्कुल हमें इस चीज़ को कायम रखना चाहिए और आप सभी लोग यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए, आप सभी का मैं तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।
आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसमें हम अनेक भाषाओं में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तेलुगु, हिंदी और उर्दू में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज का ये कवि सम्मेलन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में जो कि विभिन्न भाषाओं में है। तब तक के लिए इजाज़त दें।